सो है वो सब गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक अगेन विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट। दुबई में अचानक से बादल आ गया, सुबह 4 का टाइम है। मैं और दाना सुबह सुबह बाहर आ चुके हैं, अभी फजर की नमाज़ पढ़ने हमने जाना है। तो मैंने कहा अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि बारिश की अपडेट लाजिम मैं देता होता हूँ। एकदम से बहुत ज़्यादा काला बादल आ चुके हैं, पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सुबह 4 का टाइम है, सब कुछ बंद है, ये रोड से आप अंदाज़ा लगा सकते, कोई भी चीज़ नहीं खुली हुई। तो हम जा रहे हैं पार्क वाली साइड पर, वहाँ पर जाके आपको हर चीज़ क्लियर से दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा बादल है और कतरा कतरा बारिश आना शुरू हो चुकी है। अचानक से बादल आ गया, तो मैं कह रहा हूँ सुबह तक बारिश बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी फजर की नमाज़ में हमने दुआ मांगनी है कि बादल ख़त्म हो जाए, ये ना हो कि हमारे लिए अजाब बन जाए। तो जल्दी से कर लो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ताकि डेली बारिश की, दुबई की डेली अपडेट आप तक मिल सके आपको। ऊपर देख वाला बादल, ओए 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 बाबा जी, बिजली गिरने लगी, बिजली आने लगी है, या कोई नज़र आ रहा होगा। ओए ओए ओए, पता नहीं आपको नज़र सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस पार्क में जाके आपको अच्छे से व्यू दिखाता हूँ मैं। बाबा जी, फजर की अजान होगी है, लेकिन आधे घंटे बाद जमात होगी, तो नमाज अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले व्लॉग बना के और हर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दुआ करो कि यार बारिश ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा होगी, ये को इतनी खूबसूरती, एक मिट्टी भी नहीं है रोड पे, तो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाएगा, और ये हम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अच्छी गुजारती ज़िंदगी में एकदम अजाब आ जाए तो ये मैं मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इतनी इन्होंने क्लियर किया दुबई को। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बारिश ना आए, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। ये तो मैं व्लॉग सुबह तक तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी बना गया, हर चीज़ अपडेट करूँगा, सुबह अलहदा से अपडेट दूँगा कि सुबह क्या बना है, लेकिन दुआ आप लोगों ने लाजिम करनी है। ठीक है, बादल रहे, ठंडी हवा चले, लेकिन ना इतना अजाब ना आए, थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा पानी हो जाए, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा पानी आ गया, तो भाई जान पे पानी भी आ जाएगा और बारिश भी आ जाएगी, अजाब बन जाएगा। बात तो सही है। बस देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, ऊपर से नीला आसमान पे बादल हुए हुए हुए, बिल्डिंग देख कितनी खूबसूरती है। वो वहाँ पर हम बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे पता नहीं था, मैंने टूर्स किया हुआ था, मैंने अब जूम आउट किया है, तो वहाँ पर बैठ के थोड़ी बातें शातें करते हैं। बादल है वो क्लियरली दिखाते हैं कहाँ कहाँ से बादल आ रहा है, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, तो मुझे लग रहा है कोई बर्फबारी वाला बादल आया हुआ है। तो बस ये पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। बाबा क्या कहना चाहेगा यार, बारिश आ गई तो बाबा ये काम खतरी हो जाएगा यार। खतरी तो हो जाएगा बाबा जी, डूबना पड़ेगा, बोट लेनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा। वो तो तेरी बात ओके है, लेकिन यार ये दुआ करिए, ये पीछे तो कितना बादल आ रहा है, बिजली भी चमकी है। सही बात है। तो ये क्या है फिर, आओ आगे जाके बात करते हैं। बिजली चमकी है। ओए ओए भाई जान, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, ठीक है बादल अच्छी है, हवा है, कितनी ठंडी चल रही है, मौसम इस टाइम ओके है, घास तो ठंडी है ही है ना, ये मौसम ही दिन भी होने लग गया है, तो बात ये है कि बस बारिश ना हो, बाकी मजे मजे बेशक हो जाए। हाय, पार्क तो हमारा आ चुका है, ये कहीं अच्छी जगह देख के हम बैठते हैं, क्योंकि पार्क थोड़ा थोड़ा मुझे गीला भी लग रहा है। तो बस यही अपडेट थी कि भाई जान बारिश ना कहीं आ जाए, क्योंकि देखो इतनी खूबसूरती, आहिस्ता से दिन भी हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है दिन भी हो रहा है। कुत्ते की हड्डी यार, ओए ओए, अगर ये भी पानी में डूब जाएगी तो हमारा क्या बनेगा यार। मैं तो जस्ट नमाज के लिए निकला हूँ, मम्मा ने कहा जो नमाज का टाइम हो गया, वीडियो एडिट कर रहा था, मम्मा ने कहा जो नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते साथ मेरा मूड नहीं था व्लॉग का भाई जान, मैंने बात आंटी और अंकल है, मैं कपल तो यार कपल तो आते ही रहते ना, ये वही पा रहे जहाँ पे हमने प्रैंक व्रैंक किया था। तो मैं कह रहा था मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, तो बादल देख के मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार ये क्या, घर वालों को जाके बताऊंगा भाई जान बाहर तो बादल आने का, बारिश आने लगी है। तो साथ भाई ने व्लॉग अब शुरू कर दिया है, और देखो कितनी चढ़ाई है, ओए 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 ओए, वहाँ से ऊपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और ये 360 एंगल है, सांस ले लेते हैं, क्योंकि हमें ना सांस की बीमारी है, बीमारी ये है कोई कोई भी वजन वाला या कोई भी हैवी काम करते ना तो सांस फूल जाता है, क्योंकि बहुत नाजुक है ना, फूल की तरह हमें पला गया है। सबसे पहले बिल्डिंगें देखो यार, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सीधा दुबई की तरफ रोड जा रहा है, ये बिल्डिंग शिल्डिंग देखो, ओए होए 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 माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है, बाबा भी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, इस तरफ सारी बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, ये सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। यकीन करो इधर लेटने का दिल कर रहा है, इतनी सुकून की ठंडी हवा चल रही है। अब आप लोग कहोगे हवा कैसे कर रही है भाई, हमें प्रूफ दो यार, मैं प्रूफ आप लोगों को कैसे दे सकता हूँ, मैं अब आप लोगों को वहाँ पर सारा कुछ हिल रहा है, हवा से हर चीज़ हिल रही है, लेकिन वहाँ पे फैमिली पत्नी आंटियाँ बैठी हैं, अंकल आंटी बैठे हुए, मैं बता नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं अगर आपको टोपी उतार के दिखाऊंगा तो मेरे बाल बिखर जाएंगे, तो यहाँ से अब अंदाज़ा लगाओ, ये देखो ओए होए 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 होए, अब नज़र आ गया आपको कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये बिल्डिंगें छिलने के भी यार लोगों के सामने, बाबा भी इंजॉय कर रहे, देखो बदमाशों की तरह टोर निकाल रहे हैं। तो यार बात का मकसद तो यही है कि भाई आपका हर अपडेट दुबई की दे रहा है, लेकिन जितनी मैं अपडेट दे रहा हूँ ना, उतना मुझे फल नहीं मिल रहा जितनी आपका भाई मेहनत कर रहा है,
कि यही मेरे अगर मैं पाकिस्तान या कहीं और कंट्री में करता तो यकीन करो शायद कुछ हो जाता, यहाँ तो मेरे अकाउंट को कुछ मसला है या कुछ भी हुआ है, कोई भी वीडियो ना सर्च में नहीं जा रही है, न्यू ऑडियंस के पास नहीं जा रही, आप लोगों के पास जा रही है और आप लोग आगे शेयर भी नहीं कर रहे हैं, अंडर रिव्यू जाई जा रही है और वायरल नहीं हो रही है और नए फॉलोअर्स नए व्यूवर्स के पास जा ही नहीं रही। अगर नहीं जा रही तो मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है ना, मदद की ज़रूरत है, आप लोग दोस्तों को बहनों को भाइयों को शेयर करो, मैं कोई गंदी वीडियो तो बना नहीं रहा। देखो अपडेट दे रहा हूँ, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह पे मैं रहता हूँ और ये बादल शादल देखो, बस दुआ है कि सुबह तक बादल क्लियर हो जाए, क्योंकि बादल अगर ज़्यादा हो गया तो कुछ भी नहीं करेंगे भाई जान, दिखाएंगे आपको पानी शानी जो होगा दिखा देंगे, लेकिन मुझे मेरे ख्याल है यूएई ने ना आपको निज़ाम लगा लिया, इनकी गवर्नमेंट ने निज़ाम लगा दिया, उन्होंने कोई बंदोबस्त कर लिया, वो न्यूज़ भी आई थी मेरे पास, वही कहते कि भाई जान दोबारा बारिश आएगी ना तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। दुबई का तो कहा था, शारजा का पता नहीं, क्योंकि हम ये शारजा साइड पर रहते हैं, दुबई भाई जान शेख हमदान ने शेख राशिद ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे अब ऐसी हरकत नहीं होगी जो पहले हुई है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन अब बारिश आएगी तो फिर ही पता चलेगा। बकायदा व्यू आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ओए पेट्रोल जा रहा है वो देखो, ओए होए 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 भाई जान, टेक्नोलॉजी में दुबई तो बाप है, जैसे आप लोगों को पता है मैं ही बोली जा रहा हूँ, आप तो बोर हो जाओगे यार। माहौल देखो यार, माहौल है तो नहीं है, रात शाम सुबह सुबह का टाइम है जो भी है आप लोगों के सामने है। तो बाबा जी नमाज का टाइम हो गया, निकले फिर आप पढ़ते हैं नमाज, और वो भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं यार अल्लाह की चीज़ें, आप लोग को मैं दिखावा कर रहा हूँ, क्या करें यार आपका। ये बात आपको माननी पड़ेगी, हम बहुत ज़्यादा उल्लू, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा फुद्दू हैं, अब यहाँ पार्क में आ गए हैं और जनाब अल्लाह काटी यहाँ पे नहीं है मस्जिद में जाने के लिए, काटी नहीं हमें मिल रहा, हमें अब अपने घर के आगे वाला जो सवे है वहाँ से जाना पड़ेगा। ओए होए अजाब वाले बंदे हम, अजाब वाले, माशाल्लाह वो मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी है, न्यू बनी है, और यहाँ पे भी माशाल्लाह मस्जिद बन रही है, और मेरे पीछे वो वाली मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। ये है कि देखो नया मुल्क बना है हमारा पाकिस्तान, कितना पुराना मुल्क है, वहाँ पे एक भी मस्जिद यार ऐसी नहीं बनी हुई, देखो ज़रा हर खूबसूरती का बाएतमाद इन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है। अगर ठीक है तो बुरे काम हो रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मैंने देखे हैं वो, तो कपल कुपल ये इश्क मशूकी लड़कियाँ लड़के, ये तो भाई जान पाकिस्तान में भी है, हर जगह में होता है, लेकिन मस्जिद बनाने में और नमाज पढ़ने में दीन के मामले में सबसे आगे हैं यूएई वाले। बाबा जी फुल लेट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से नमाज हमारी कज़ा हो गई है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं व्लॉग को एंड, अगले वीडियो में मुलाकात होगी और अपडेट दूंगा कि बारिश कितनी होनी है अब, लेकिन कतरे रुक गए हैं बारिश के, सुबह को पता चलेगा कि बारिश हुई है या नहीं हुई है, ना मैं सुबह उठूँ तो भाई जान गोटे गोटे ना पानी हुआ हो, तो मैं सुबह ही आपको अगली वीडियो का इंतजार करो, अगली वीडियो में अपडेट मिलेगी, भाई को इस तरह सपोर्ट करो, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में रखना भाई को, अल्लाह हाफिज़।